सभी को सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, माही सुपर किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे। हमेशा की तरह आज भी एक नई और अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हरे मूंग की दाल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने एक कप हरे मूंग की दाल ली है। अब मैं इसे पानी में भिगो कर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। मैंने 25 ग्राम अदरक, 6 कलियां ली हैं लहसुन की, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काटा है मैंने। मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 तेज पत्ता लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 सूखी हुई लाल मिर्च ली है। मैंने 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को काटा है और कुछ धनिया पत्ता लिया है। मैं यहाँ पर ग्राइंडर ले रही हूँ और इसमें मैं प्याज, लहसुन और अदरक को डाल लूँगी। अब मैं इसमें कुछ पानी डालूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। मैंने यहाँ पर टमाटर को भी ग्राइंड किया है। मैं इसमें हरे मूंग की दाल डालूँगी जो मैंने भिगो कर रखा था। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर लूँगी और इसे मैं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी। जब तक ये पक रहा है तब तक हम लोग कढ़ाई लेंगे और इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम लोग गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें जीरा, तेजपत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसे मिला लूँगी और इसे फ्राई करूँगी। तो हमारा हरा मूंग का दाल पक चुका है तो अब हम लोग इसे साइड में रख देंगे। मैं इसे तब तक अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी जब तक से इसका रंग हल्का लाल ना हो जाए। तो अब बचे हुए सारे मसाले भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। मैं इसे चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे फ्राई करूँगी। तो ये अब ये फ्राई हो चुका है। आप देख पा रहे इसका रंग हल्का लाल हो गया है। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन खोल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हरा मूंग अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। तो मैं इसे इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी। मैं इसे ढक्कन से कवर कर लूंगी और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसे बीच बीच में चलाते रहूंगी। तो अब ये पक चुका है। मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो अब हमारा हरा मूंग का दाल पक के रेडी हो चुका है। तो अब मैं ये सर्व करूँगी।
तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।